बताया था कि क्या सपने हैं कि सर हम सीपीयू लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, हम पावर लगा पाएंगे। मुझे बताओ तीसरे दिन में किस किसने पावर लगाया लाइव में? यस सर हम। ठीक है, अब मुझे बताइए किसने चौथे दिन में सीपीयू निकाल के लगाया? दो बार से ज्यादा बताओ, दो बार से ज्यादा हाथ रुक खड़े करो, दो बार से ज्यादा। कई होने तो तीन तीन बार चार चार बार लगाया। 11 तारीख हो रही है और 11 तारीख तक अगर मैंने जो देखा तो ये लोग नॉर्मल नहीं है, ये एक योद्धा है। और ये एक योद्धा है क्योंकि इन्होंने डेली 12 घंटे की क्लास लेकर, 6 घंटे थ्योरी हो या 6 घंटे प्रैक्टिकल हो, अपने आप को साबित किया है। और हर क्लास में और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डिसिप्लिन किया है वो काबिले तारीफ है। और एक बार टीचर्स इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे, मानना पड़ेगा। 0.8 इस तरीके से 0.8। अब जैसा दीजिएगा, पहले चेक करते हैं फिर बाद में समझते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। दीपक सर पहले नोट फोर, फिर बाद में देखिए। हम नोट फोर में है, बाक लाइन चेक करेंगे। अब हमें टोटल दांडो इधर मान लीजिए 6 बाक कॉइल लगे, कितने 6 कितने 6 वोल्टेज बनना सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान देना, इसलिए हम बक कॉइल पर 2-3 वोल्टेज जोड़ेंगे। एक वोल्टेज बोलो कौन सा? 0.8। और ये वोल्टेज हमेशा स्टेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बोलो? स्टेबल। अगर ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो उसका पूरा बताऊंगा कि कैसे करना है। तो ये वोल्टेज जहां से हो रहे हैं आउट, क्या हो रहे हैं बोलो? यहां से क्या हो रहे हैं बोलो? तो कॉलकॉम बक को क्या करेगा? क्यों? क्योंकि सीपीयू क्या लाइन नहीं बना पा रहा है। नॉर्मल पोर्ट बना रहा है, नॉर्मल पोर्ट बना रहा है तो फास्ट होगा, लैस करेंगे, एब्जॉर्बर ऑटो पोर्ट, ऑटो पोर्ट आता है तो एमएमसी रिपेयर करेंगे, आप फ्लैश भी कर सकते हैं बट एमएमसी रिपेयर पे ही जाना है। फिर एमएमसी रिपेयर किया, आइडेंटिफाई करने के बाद अगर ये जो यहाँ पे नीचे इनक्रिप्टेड, क्या इनक्रिप्टेड या तो फिर एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन, ये दोनों में से कुछ भी लिखा नहीं आए तो आईसी पूरी तरीके से क्या है? ब्लैंक। अगर दोनों में से कोई भी एक आए, इनक्रिप्टेड या एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन, दोनों में से कोई भी एक लिखा हुआ है तो आईसी ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो इस आईसी को हम ले जाके बोर्ड में फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद इसको क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर करेंगे, क्योंकि इस आईसी के अंदर क्या नहीं है? सॉफ्टवेयर है। अब मैं चाहूं तो इस आईसी को यहां से भी फ्लैश कर सकता हूं, इस आईसी को यहां से भी फ्लैश कर सकता हूं। अगर मैं यहां से डिस्प्ले सेक्शन हो गया, ग्राफिक सेक्शन हो गया, ऑडियो सेक्शन हो गया, या तो फिर नेटवर्क सेक्शन हो गया, जो भी सेक्शन देख रहे हैं, लाइव प्रैक्टिकल देख रहे हैं, उसी तरीके से लाइव प्रैक्टिकल होगा हमारी क्लास में। ईएमएमसी में ऐसा कोई नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको लगेगा कि बहुत भारी है, बहुत आसान है ईएमएमसी के और उससे आसान है पेस्टेड आईसी। लेकिन अगर आप सोचेंगे बहुत हार्ड है तो हार्ड, आपको सोच को बदलना होगा खुद को, है ना, तो ही जाके आप। ये फोन है बैटरी में चार्ज नहीं, जिसके कारण ये पूरा चालू नहीं हो रहा है, हम इसको पूरा चालू किया। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक के बारे लोगों, मैं हूं देवदत्त अग्रवाल एशिया टेलीकॉम की तरफ से और एशिया टेलीकॉम की टीम की तरफ से। और आज मैं हूं अपने 28 अगस्त बैच के साथ, यहां पे एक बार जोरदार ताली। अच्छा ये ताली क्यों? अच्छा ये वीडियो क्यों? अच्छा ये बातें क्यों भाई? ये जो स्टूडेंट आए आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमेशा की तरह ये हार्डवेयर का एक आउटपुट है। ये चीज़ की हम जो लेकर आए, हम जो सोच के आए कि हम सीपीयू लगा पाएंगे, हम सोच के आए, हम कुछ सपने लेके आए, हम रिपेयरिंग कर रहे हैं कई सालों से, हम रिपेयरिंग में खो गए हैं, हम रिपेयरिंग में सेट वापस कर रहे हैं, एक माइनर फॉल्ट की वजह से भी, एक बिग फॉल्ट की वजह से भी। हमें ये नहीं पता है कि एमएमसी लगता है तो क्या रीडिंग आता है, हमें ये नहीं पता है कि एमएमसी को यूएफआई
टाइम है कैसा चेक करें, हमें लाइट आया तो हमें लाइट के डायग्नोस नहीं पता है, पॉइंट नहीं पता है, तो ये सारी कंपोनेंट का बेसिक फंडा, नेटवर्क का फंडा, या मैं बात करूँ किसी भी छोटे से बड़े से एक मोबाइल रिपेयर में आने वाले फॉल्ट का फंडा, ये नहीं पता है। इस चीज़ को लेकर एक सपने लेकर कि ऐसे टेलीकॉम में यार मैं यहाँ आऊँगा अपनी दुकान छोड़ के और यहाँ पर 12 घंटे के हार्ड वर्क करके और यहाँ से वो बन के जाऊँगा जो मैं जिंदगी में बनना चाहता था। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? यार कसम से मैं कह रहा हूं कि एशिया टेलीकॉम में, यहां पे दिखाइए इस साइड हो जाइए प्लीज, एशिया टेलीकॉम में आने वाले स्टूडेंट नॉर्मल तो नहीं है यार, नॉर्मल नहीं है। आप लोगों के साथ डे वन से काम कर रहे हैं, 27 तारीख काउंसलिंग के दिन से, आज 12 तारीख हो रही है, आई थिंक 11 तारीख हो रही है, और 11 तारीख तक अगर मैंने जो देखा तो ये लोग नॉर्मल नहीं है, ये एक योद्धा है, और ये एक योद्धा है क्योंकि इन्होंने डेली 12 घंटे की क्लास लेकर, 6 घंटे थ्योरी हो या 6 घंटे प्रैक्टिकल हो, अपने आप को साबित किया है, और हर क्लास में और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डिसिप्लिन किया है वो काबिले तारीफ है, और एक बार टीचर्स इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे, मानना पड़ेगा। डेडिकेशन 100 to 100, और मैं सच बताऊं सब सीखने के लिए आए हैं, और ये भी यही चाहते थे कि नहीं? तुम ये तो नहीं चाहते थे कि 2 घंटे पढ़ाओ चले जाए? तो मैं अपने टीम के साथ हूँ, तो सबसे पहले मैं टीम को इंट्रोड्यूस करूँगा, फिर मैं देखो पूरे स्टूडेंट्स से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप बातें करने के लिए बहुत समय है, बहुत सारी क्लासेस हैं, और एक आगे हम आपको इनका भी आउटपुट अपडेट देंगे, ड्यूअल डेकर में आना है हमें, फेयरवेल में आना है हमें, MMC की क्लास में आना है हमें, दुर्गे सर की सॉफ्टवेयर की क्लासेस में आना है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कुछ चंद लोगों के साथ। मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा MMC में, मुझे अच्छा हार्डवेयर आने के बाद ऑब्वियस है सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं, सॉफ्टवेयर में, सो सॉफ्टवेयर में मैं दुर्गे सर को बुलाऊंगा, एक बार दुर्गे सर के जोरदार ताली बजा दो। दुर्गे सर मुझे बताओ, अभी आपने मीडिया टी की क्लास की है और अभी आने वाली क्लासेस कॉलकॉम की होंगी, आगे आप हुवावे बताएंगे, आईफोन बताएंगे, बहुत सारे आप बताने वाले हैं, सो कैसा रहने वाला है इनके साथ बताइए? तो पहले दिन की क्लास कैसी रही? हर एक चीज विद प्रैक्टिकल के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हम लोग पहली बार यहाँ पे इनको जब पढ़ाया जाता है, कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए, जब तक आप खुद से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए से टेलीकॉम ने यहाँ पे स्टूडेंट को UMT जो टूल्स हमने पढ़ाए हैं वो टूल्स प्रोवाइड कराए हैं। मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, और अनलॉक टूल भी आपको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? रात के 2 बजे बैठ के आपको एक्टिवेट करा है वो टूल, ये सोच के कि आपके पास एक अनलॉक टूल होना चाहिए जिसमें आप काम कर सकें, उस आईडी को आप खोल के आराम से काम कर सकते हैं, क्या है उस पर रिविजन कर सके। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्टूडेंट सोचता है कि अगर हम पहले टूल को सीख लें उसके बाद परचेस करें तो ज्यादा बेटर होता है, तो वही चीज स्टूडेंट को हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, और हर एक चीज विद प्रैक्टिकल के साथ, ऐसा तो नहीं केवल थ्योरी बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताइए कि लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर में विंडोज 7 सबसे बेस्ट होता है, क्या एक्चुअल विंडोज 7 सबसे बेस्ट है? तो यहाँ पे हम किस में पढ़ा रहे हैं आप? 11 में, जो लेटेस्ट है, अगर 12 होता तो हम 12 में भी पढ़ाते। बिल्कुल। तो कैसी रही क्लास ओवर? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आप सॉफ्टवेयर डन करने के बाद जब आप फ्लैशिंग करेंगे मोबाइल की, और फ्लैशिंग करने के बाद आप पाएंगे इसमें तो एरर आ रहा है, या फ्लैशिंग करेंगे पाएंगे या तो पोर्ट बन रहा है, फ्लैश हो ही नहीं रहा है, तब आपके दिमाग में आएगा कि अब मैं स्टोरेज आईसी पे काम करूं। और स्टोरेज आईसी के लिए हमारे क्लास में एक ही नगीना है, और वो है मिलन सर, जोरदार ताली बजाओ भाई। क्या देने वाले हैं इनको ब्लैक पेस्टेड में, क्या देने वाले हैं MMC में, और अभी आगे जो ड्यूअल डेकर भी होगा इसके साथ बताइए। देखिए जैसे ही सॉफ्टवेयर की क्लास ख़त्म होगी, जो फोन हार्डवेयर से आपकी प्रॉब्लम MMC के फाइंड आउट किए हैं, और सॉफ्टवेयर के बाद भी आप MMC में फाइंड आउट किए हैं, एक भी सेट आपकी घूम के नहीं जाएगा, वो सारे सेट मैं वादा करता हूँ आपके हाथों से बनाऊँगा। इन्होंने एक वादा किया है कि मैंने पहले बोला इस क्लास में या इंस्टीट्यूट में हम बिल्कुल भी मदारी वाला खेल नहीं करेंगे कि हम सामने बैठ के सारे सेट, मिलन सर ने कहा है कि अगर आपका सेट रहा MMC से और फॉल्टी तो आपसे ही बनवाएंगे, मतलब आप और इतने लायक है कि नहीं है? चलिए ठीक है सर,
उसके बाद आपको ईएमएमसी की जो टॉपिक है, ईएमएमसी इतना आसान है आप सोचो मत कि प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा पहाड़ है, कुछ नहीं है, बस रीडिंग राइटिंग का खेल है और रीड प्रोग्रामिंग उसी को ही बोलते हैं। लेकिन नॉलेज ये होना चाहिए किसको रीड करना है, किसको राइट करना है, क्या है क्या नहीं है, किस में है, इतना ही खेल है और कुछ नहीं। दूसरी बात आते हैं पेस्टेड आईसी, जैसे सर ने बोले हैं हलवा, जैसे बर्थडे केक काटते हो ना उसी तरीके से कटेगा, एकदम आसान तरीके से। पेस्टेड आईसी इतना आसान है, इसके जैसा आपको कुछ भी आसान नहीं है। पेस्टेड लोग देख के डरते हैं और दूसरी क्लास के बाद आप पेस्टेड देख के खुश होंगे कि मुझे इसमें काम करने में बहुत मज़ा आएगा। वही काम करने में मज़ा आता है जो काम दूसरे नहीं करते हैं, जो छोड़ देते हैं, है ना। तीसरी चीज़ डबल डेकर और भी आसान है। जैसे ही पेस्टेड ख़त्म होगा, जैसे ही आपकी ईएमएमसी की रीडिंग पता चलेगा कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद डबल डेकर सीपीयू आएंगे, तो डबल डेकर सीपीयू भी और भी आसान है। सब कुछ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। और उस दिन हम लोग आपको सबको एक एक करके बोर्ड प्रोवाइड करेंगे और एक एक करके सबको हम डबल डेकर खुद हाथों से करवाएंगे जी। थैंक यू एबा, इनके लिए भी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनके साथ थ्रू आउट, आप मुझे बताए। जी सर, मैं बताऊंगा इनके साथ का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, आज क्लास का एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं सर, काफ़ी दूर दूर से आए हैं, बहुत सारे होप्स लेके आए हैं, पर जो होप्स लेके आए हैं वो पूरा कैसे होगा इनके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना डेडिकेशन है इन लोगों के पास। बट जितना डेडिकेशन होना चाहिए उससे ज़्यादा है सर, ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं सर हम लोग की क्लास यहाँ पे 11:30 से क्लास चालू होती है, लेकिन ये लोग 11:20 पे 11:10 पे ही आके क्लास में बैठे हुए मिलते हैं जी, ये बिल्कुल फील। और दूसरी बात ये कहेंगे कि आपने अभी हार्डवेयर अटेंड किया है, अभी 14-15 दिन की क्लास हुई है, अभी आप 2 दिन की क्लास अभी हार्डवेयर की और बाकी आप लोगों की, तो आपको जो हार्डवेयर में आपने देखा होगा कितने टूल्स हैं आपके टेबल पे डले हुए हैं, सारे टूल्स होने आपके पास बहुत ज़रूरी है, बिना टूल के आप प्रोफेशनल काम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास देखिए अभी आपका सॉफ्टवेयर का क्लास चालू है, कल से आपका सॉफ्टवेयर का क्लास चालू है, तो इसके लिए आपको UMT अनलॉक टूल और अभी आपका जब प्रोग्रामिंग ईएमएमसी की क्लास मिलन सर के साथ चालू होगी तो आपको UEFI भी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप घर पे जाने के बाद आप ये ना सोचे कि मुझे ये लेना है कि नहीं लेना है, आपको प्रॉपर यूज आना चाहिए। सॉफ्टवेयर की ले रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का सारे टूल बस तीन UEFI हम आपको देंगे जो आप अपने पास अपने हॉस्टल में रखेंगे, समझ में आ रहा है, ताकि आप शाम को प्रैक्टिकली उन 3 UEFI में करेंगे, ठीक है। और बाकी के पास तो है सर अभी, तो ओवरऑल कैसा रहा मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि पहले दिन से लेकर अभी तक का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगा, चलिए ठीक है, थैंक यू। चलो अभी जो बात करते हैं जिनको हम दिखाते नहीं हैं, बोलते हैं उनको देखना है तो टिकट लगता है, और वो है मोहम्मद सर। मोहम्मद सर के जोरदार ताली बजाए भाई। मोहम्मद सर क्या बोलना चाहेंगे ये बताओ मेरे को, पहले दिन कंपोनेंट किस किस को आता था, किस किस को आता था? किसी को नहीं आता था। पहले दिन में कंपोनेंट हुए कि नहीं हुए? दूसरे दिन में कंपोनेंट की क्लास पूरी हुई कि नहीं हुई? किसने करवाया, नॉलेज किसने दिया? सेकंड डे आपने क्या किया, पावर निकाल के लगाया? पावर निकाल के किसी को आता था क्या? किसी को आता था क्या? आप सबने लगाया कि एक ने लगाया? सबने लगाया। पूछने वाला हाँ ठीक है, और पूछने वाला। और उसके बाद ये बताइए कि आपको लाइनों का नॉलेज था क्या? नहीं सर। लाइनों का नॉलेज आया आपको? नहीं सर। आप खुद अपने हाथ से डायग्राम बना सकते हैं? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद मैं चलूँ स्केमेटिक किस किस को चलाते आता था यहाँ पर? नहीं सर। अब बात करूँ तो नहीं सर। सबको आता है? नहीं सर। जितने भी किस किस को आता है? नहीं सर। और उसके बाद ये बताइए मेरे को कि आज अगर कोई सी भी सर आगे आईसी अगर एक्सप्लेन करते हैं तो कैसी जाती है दिमाग में आपके, पूरी क्लियर जाती है कि नहीं जाती है? चलिए ठीक है, तो एक बार सर के लिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, एक बार अनिल के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, साफ सफाई है उसके लिए, बहुत जरूरी है अपने साथ होने वाले खड़े होने वाले हर एक का सम्मान करना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक लास्ट आप लोगों से थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहूँगा, बट इंटरव्यू से पहले जैसे मैंने बताया था कि क्या सपने हैं कि सर हम CPU लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, हम पावर लगा पाएंगे, मुझे बताओ तीसरे दिन में किस किसने पावर लगाया लाइव में? ठीक है, अब मुझे बताइए किसने 14 दिन में CPU निकाल के लगाया? दो बार से ज्यादा हाथ रुक खड़े करो, 2 बार से ज्यादा, कईयों ने तो 3-3 बार 4-4 बार लगाया। और मिलन सर की क्लास में ब्लैक पेस्टेड अब कौन कौन निकालने वाला है, जल्दी बताओ, अभी से पूछ रहा हूँ मैं, एडवांस, वेरी गुड। और डुअल डेकर कौन कौन करने वाला है, जल्दी बताइए।
यार हर दिन आते हैं तो एक्साइटमेंट बनता है कि नहीं बनता है नया सीखने का? घर की याद आती है, ऐसा तो नहीं है कि घर की याद आती यार बूढ़ो या भागो यार यहाँ से, ऐसा होता तब जब पहले दूसरे दिन में पता चल जाता, कभी नहीं रुकते। आपको पता चल गया कि ये पागल है अपने समझाने के लिए, ये पीछे पड़ गए हमारे, तो अगर मैं यहाँ से भागा तो दुनिया ऐसी नहीं है, वो तो ये है पैसा लेके भूल जाने वाली है, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम सीख रहे हो, वो तुमको एक इक्विपमेंट लेकर बैठा देंगे एक कोने में, यही होता है ना। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर, ठीक है सर आप लोग जा सकते हैं क्लास में, अब मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट है आप एक करे सर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?